आजकल बाजियां बजाए जा रहे हैं। ये है जाहिल कौम, ये सोई रहती है 13 अगस्त को, ये जागती है 14 अगस्त को, इन्होंने बाजे बजाने हैं, 15 को इनका बाजा बजाना है। लेकिन आज की खबर ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे फिर से 3 अटैक हुए हैं तालिबान की तरफ से, TTP की तरफ से, जिसमें 3 जगह पे, खासतौर पे तुरखम बॉर्डर की अगर बात की जाए, वहाँ पे फौजी जवानों की जाने गई हैं। 14 अगस्त के जो फंक्शन थे उनमें धमाके हुए, मतलब लोग मारे भी गए। ब्रेकिंग बैरियर्स में इस वक्त आपको अभी की खबर देंगे, क्योंकि अभी ये खबर आ रही है कोयटा में एक दस्ती बम धमाका हुआ है। मैं हूँ सहर फातिमा और आगाज में आपको बताएं कि कोयटा की चाइना मार्केट में दस्ती बम हमला हुआ है। बात ये है कि गुनाह कोई कसूर तो होता है ना किसी का। मुझे बताइए इस वक्त जो है वो बलोचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? जल रहा है। इस वक्त KPK के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं। इस्लाम यकजहती का मजहब है, इसका मतलब ये है कि हमें कोई ऐसा वर्ग लाने वाला है जो हमें मुसलसल वर्ग हमें यूज करने वाला। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम तो इस जंग में हैं, दहशतगर्दी को एज ए टूल हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और लड़ रहे हैं उससे बाकायदा। उसके लिए मुख्तलिफ जगह से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, भारत और इसराइल भी शामिल है, अमरीका भी शामिल है उस सिलसिले में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APGN चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त यानी आज पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इस आज़ादी के मौके पर भी न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कई धमाके हुए हैं, बल्कि उसी के साथ साथ पाकिस्तान को जो पूर्वी बॉर्डर है यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर, जहाँ पर एक नहीं बल्कि 3-3 जगह पर तालिबान की तरफ से हमले किए गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस पर आज की इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी यह पूछ भी रहे हैं कि आखिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुस्लिम देश हैं, फिर आपस में लोग क्यों लड़ रहे हैं? जिसके ऊपर इंटरेस्टिंग जवाब आता है पाकिस्तानियों से, क्योंकि पाकिस्तानी इस्लाम से दूर हो गए हैं, और यह जवाब काफ़ी कंट्राडिक्टरी होता है और यह सोचने को मजबूर कर देता है कि आखिर पाकिस्तानी इस्लाम के और कितना करीब जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान धर्म के नाम पे तो बना ही, वहाँ पे उनको धर्म करने की प्रैक्टिस की सब कुछ आज़ादी है, और उसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तानी को देखें और सुने तो उनकी तो हर बात ही ऊपर वाले के नाम के साथ शुरू होती है, और हर जगह अपने धर्म को ऊपर रखते हैं, चाहे वो बिजनेस के अंदर भी हो या फिर प्रोफेशन के नाम पर भी हो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। नमस्कार, आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, और इंडिपेंडेंस डे से पहले 14 अगस्त के जो फंक्शन थे उनमें धमाके हुए, मतलब लोग मारे भी गए। मेरे साथ है खालिदा जी, अफगानी सिटीजन है। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैं पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान को लड़ना था, उसका नाम चेंज कर दिया, नाम कर दिया फितना अल ख्वारजी। हमने ये देखा कि आजमे इस्तेकाम एक ऑपरेशन होना था TTP के खिलाफ, लड़े आज तक नहीं, ऑपरेशन आज तक शुरू नहीं हुआ, TTP का नाम अलबत्ता चेंज कर दिया। इससे क्या TTP पे कुछ हो सकता है क्या? मतलब पाकिस्तान विल बी सेफर अगर नाम चेंज कर देंगे? ये तो एक क्या कहते हैं, धोखा है। जैसे आपका नाम अहमद और आपने अपना नाम महमूद बना लें, पैदाइश से आपका नाम अहमद है, जो आपकी पर्सनैलिटी होगी, जो आपकी शख्सियत होगी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जो आपके दिमाग में होगा, ठीक है? तो ये तो दुनिया को दिखावे के लिए इन्होंने नाम चेंज किया है। वो इसलिए दूसरे नाम रखते हैं कि दुनिया को ये समझाए कि हाँ जी, ये ग्रुप हमारे से ताल्लुक नहीं रखता, हमारा नहीं है, क्योंकि इसका नाम देखो, लेकिन इनके मुल्क में पल रहा है और इनको परवरिश मिल रही है। तो ये सिर्फ नाम बदलना है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजी और जिस प्रोजेक्ट पे वो काम करते वो तो तब बदल नहीं गया। क्या वो सारे लोग मर गए जो नया ग्रुप बन गया और उन्होंने अपना नाम बना दिया? तो ये तो एक मजाक है और दुनिया को दिखाना है जी हमने उनको खत्म कर लिया। शायद वो लोग ये जाहिर करना चाहते हैं कि ये लोग खत्म हो गए यार, या हमने उनके खिलाफ इकदाम उठाया और हमने उनको खत्म कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास खबर जो ये है, जो अफगानिस्तान से खबरें आ रही हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा से खबरें आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के 4 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। क्यों? क्योंकि एक हमला हुआ उनके ऊपर, और ये अपर साउथ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ऑन एन एवरेज डेली एक हमला हो रहा है, डेली 2 हमले हो रहे हैं।
कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमला ना हो। साथ में पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस डे की फेस्टिवल्स होते उसमें एक खारान एरिया बलूचिस्तान में यहाँ पर दो अटैक हुए, दो ब्लास्ट हुए। पंचकूर में एक हैंड ग्रेन ब्लास्ट हुए, क्वेटा में चार ब्लास्ट रिपोर्ट हुए, वो नवाब खान बुख्ती स्टेडियम में जहां पर 14 अगस्त की सेरेमनी चल रही थी। और 14 अगस्त के जितने भी हमले हुए हैं इन सबका बीएलए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मैम इतने सारे 5-6 हमले एक दिन में? अच्छा, तो मेरा जवाब ये है, जब इन्होंने ये ग्रुप्स बनाए हैं, जब इनके सारे लोग इनके कंट्रोल में नहीं रहते, उनकी बात नहीं सुनते और उनसे निकलना चाहते हैं या उनके खिलाफ उठना चाहते हो, तो ये वो लोग हैं जो इनके खिलाफ उठ के खड़े होते हैं। दूसरा काम ये है कि जाहिर बात है ये ग्रुप जब इन्होंने बनाए हैं, ठीक है, तो इनके साथ तो ये जो एजेंसीज हैं ना, सीक्रेट एजेंसी, ये सेंसेयर नहीं है, इनको इस्तेमाल करती है, ठीक है, पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान सूबे में। तो वो लोग जब, बाज लोगों के जब जमीर जाग जाते हैं तो कहते हैं ये तो हमारे खिलाफ हो रहा है, तो ये लोग उठ के खड़े होते हैं इनके खिलाफ। ज़ाहिर बात है आपको पता है कि पाकिस्तान तो एक आइडियोलॉजी के तरीके बनाए, ठीक है, उसमें हर लोगों को इन्होंने फंसा के हुकूमत बनाई हुई है, ठीक है, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को ये कबूल नहीं है, वो हर उनका सर दबाना चाहती है। बलूचिस्तान में सूबा पख्तूनख्वा में लोग तंग आ चुके हैं इनकी पॉलिसी से, लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है, उनका कत्लेआम है लोगों का, जो इनके साथ काम करते हैं उनको कुछ नहीं करते, जो इनके खिलाफ जाते हैं तो उनको वो कत्ल कर देते हैं या गायब कर देते हैं। तो ये जो ब्लास्ट हुए हैं, जाहिर बात है जब आप ऐसे लोगों को पालोगे, ऐसे लोगों को दूसरों मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करोगे जिहाद के नाम पे, तो जाहिर बात है वो उठ खड़े होंगे तुम्हारे खिलाफ भी। दूसरा साइड ये हो सकता है कि पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जी हम तो इन लोगों से अफेक्टेड हैं, और देखिए हमारे आज़ादी से पहले इन्होंने बम ब्लास्ट किया है इंडिपेंडेंस डे के पहले या उस दिन में, कि हम इनका साइड नहीं लेते, हमारे पार्ट में नहीं है, तो ये डबल रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग हुए 77 ईयर हो चुके हैं। पहले हम ये कहते थे 1947 से पहले कि भाई वो हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं, दो कौमी नजरिया है, इसलिए आपस में लड़ते हैं। लेकिन आज की खबर ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे फिर से 3 अटैक हुए हैं तालिबान की तरफ से, TTP की तरफ से, जिसमें 3 जगह पे, खासतौर पे तुरखम बॉर्डर की अगर बात की जाए, वहाँ पे फौजी जवानों की जाने गई है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते रहे, अब क्या वजह है कि मुस्लिम मुस्लिम के नाम पे हम आपस में लड़ रहे हैं? अब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो दोनों मुसलमान हैं, लोग बज़ाहिर मुसलमान हैं। अच्छा। हम लफ्ज़ मुस्लिम का मतलब नहीं समझ सके, हम इस्लाम को नहीं समझ सके। जब उन्होंने हमारे जहनों में ऐसे नफाक डाल दिए हैं कि हम एक दूसरे की मस्जिद में जाना गवारा नहीं करते, शिया सुन्नी के नाम पे लड़ाई, इस्लाम यकजहती का मजहब है, इसका मतलब ये है कि हमें कोई ऐसा वर्ग लाने वाला है जो हमें मुसलसल वर्ग हमें यूज करने वाला, मतलब मजहब के नाम पे, क्योंकि इधर किसी को भी आप मजहब के नाम पे बहुत जल्द जो उनका माइंड वॉश कर सकते हैं, उसको मतलब जो उनसे ना उसे किसी भी साइड पे लेके जा सकते हैं।